आज के समाचार के मुख्य प्रायोजक हैं दरभंगा किसान आनंद भोग आटा। जयनगर का सबसे प्रतिष्ठित होटल नारायण होटल, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं नाश्ता के लिए यहाँ एक बार अवश्य पधारें। विभिन्न तरह के मिठाइयों का उत्तम व्यवस्था है। यहाँ प्रत्येक शुभ अवसर पर विशेष मिठाई का ऑर्डर लिया जाता है। स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण में जयनगर का एकमात्र शुद्ध शाकाहारी होटल नारायण। प्रोप्राइटर हरि नारायण यादव, पता अम्बे होटल के नीचे मेन रोड जयनगर मधुबनी। मोबाइल नंबर 8340606400। नमस्कार, सी टी वी मिथिला में आपका स्वागत है। एक और पूरे देश में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान का क्या लोगों पर असर हो रहा है? दरभंगा के बाढ़ समैला में खेतों के मेड़ पर मिली नवजात बच्ची के बाद यह सवाल पूछना लाजमी है। बच्ची के गर्दन मरोड़ कर मारने का प्रयास किया गया था, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। केवटी थाना क्षेत्र के बाढ़ समौला गांव निवासी राजू सफी की पत्नी गुड़िया देर शाम जब शौच के खेत जा रही थी, उसी वक्त उसकी नजर धान के खेत के बीच मोड़ पर कपड़ा में लिपटी एक बच्ची पर पड़ी। तब गुड़िया पास जाकर नवजात बच्ची को गोद में उठाकर पहले चारों तरफ आवाज लगाई, लेकिन जब किसी प्रकार का आवाज नहीं मिली तब बच्ची को गुड़िया ने अपने साथ घर ले आई। नवजात बच्ची मिलने की खबर जंगल में आग की तरह पूरी गांव में फैल गई और देखते ही देखते लोगों का हुजूम लग गया, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस के साथ चाइल्ड लाइन को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और क्यूटी चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंचकर बच्ची को अपने कब्जे में लेकर देखा तो बच्ची की हालात ज्यादा खराब थी और उसके गर्दन पर गहरी जख्म भी थी, जिसके बाद बच्ची को प्राथमिक इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ बेहतर इलाज के लिए उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। जिसके बाद चाइल्ड लाइन कार्यकर्ताओं ने बच्ची को डीएमसीएच के शिशु विभाग में भर्ती कराते हुए बाल गृह को इसकी सूचना दी और बाल गृह के कार्यकर्ता मनोज कुमार मिश्रा बच्ची को सौंप दी। वहीं मनोज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बच्ची की स्थिति पहले से बेहतर है और बच्ची की देखरेख के लिए संस्था के तरफ से प्रत्येक 8 घंटे पर कर्मी बदले जा रहे हैं। तो ठीक है, आ जाइए, हम यहाँ डीएमसीएच में है। तो हम 11 बजे आ चुके थे, बच्ची को लेके आते आते इनको 12:30 के लगभग हो गया। उसके बाद फिर जो यहाँ का एडमिट करने का प्रक्रिया होता है, उनके साथ मिलकर एडमिट बच्चे को कराया गया। डॉक्टर के द्वारा अभी सही से ट्रीटमेंट, डॉक्टर के एन मिश्रा की यूनिट में बच्चे को रखा गया है। अच्छी से ट्रीटमेंट चल रही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम, पहले फर्स्ट डे फीडिंग नहीं कर रही थी, कल लेकिन शाम में फीडिंग हल्की की है। थोड़ा सा उसके गर्दन में कुछ खरोच टाइप का है, उसके लिए फिर आज सर्जरी में भेजा गया था। फिर अभी डॉक्टर साहब के द्वारा जांच चल रही है। अभी उसके साथ कौन है, देखभाल कौन का? आया है हमारी संस्था की आया है, जो यहाँ भी है। हर 8 घंटे पे एक आया बदल जाती है, 8 घंटे का शिफ्ट है। तो अभी जब इनका 8 घंटा पूरा जाएगा, फिर इनके स्थान पे जो आया होगी उनका शिफ्ट है, वो आएंगे। बच्ची हमको खेतों की आड़ी पर, धान जो रेपा हुआ था ना, उसी खेत के आड़ी पर बच्ची हमको मिली। क्या था उस समय इसकी स्थिति थी? बच्चे लग रहा था जैसे देखने में लगा हो कि कोई मार के फेंक दिया है बच्चे का, लेकिन जब हम देखे तो सांस चल रहा था उसका। तो मैं सोची इसको जल्दी से इलाज की जरूरत है, और मैं तुरंत पुलिस को सूचना दे करके पीएससी क्यूटी ले गए बच्चे को। वहाँ डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर बोले कि इसका स्थिति बहुत नाजुक है, आप इस आगे दरभंगा ले जाइए डीएमसीएच। हम तो मानते हैं कि दिन दहाड़े ये बहुत ही गलत काम है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, भ्रूण हत्या मत करो, लेकिन एक हत्या ही है जिसको देख करके, जैसे बच्ची लावारिस स्थिति में पड़ी थी, लग रहा था जैसे रोना आ जाएगा। किसी ने 9 माह अपने पेट में रख करके उस बच्ची को फेंक दी, ये बहुत गलत है। जब मैं देखी तभी मैं पूरे बच्चे को ट्रीटमेंट करवाई, तभी पता चला कि बच्चे को लगता है जैसे गर्दन मसोड़ के मरने की कोशिश की गई है, और मरा ही हुआ समझ करके वो आरी पर रख दी। वहीं शिशु विभाग के विभागाध्यक्ष एनके मिश्रा ने कहा कि बच्ची की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है। जिस वक्त बच्ची यहां आई थी उसके गर्दन पर काफ़ी गहरा जख्म था, जिसके लिए सर्जरी विभाग डॉक्टरों की सलाह ली गई है। फिलहाल बच्ची ठीक है। बच्चा इम्प्रूव कर रहा
सिर्फ एक छोटा सा घाव है उसके गर्दन पर और बाकी कमज़ोर है, बस उसी के लिए अभी रखे हुए, क्योंकि उसका कोई गार्जियन नहीं है, क्योंकि ऑर्फेन है, इसलिए हमें तो अभी जब तक पूरा रिकवर नहीं करेगा तब तक रखना पड़ेगा। तो सर उसको समस्या क्या आ रही थी इस बच्चे को? समस्या था कि उसको जो यहाँ ला के दिया वो बोला कि भाई इसका ना कहीं कहाँ मिला उसको पता नहीं, कोई दूसरा आदमी कहता कि सोशल वर्कर है कहीं उसको मिला और ला करके अस्पताल में डाल दिया, यही हुआ है। क्योंकि बच्चे का तो कोई अपना है नहीं, तो सोशल वर्कर का के शहीद मनोज कुमार नाम है, वही ला के यहाँ। तो फिलहाल स्थिति में सुधार है? फिलहाल स्थिति में सुधार। राखी के त्यौहार को लेकर बाजार में मिठाइयों की मांग बढ़ गई है, जिसका फायदा उठाते हुए मिठाई उद्योगों ने मिलावटें करना शुरू कर दी है। मिलावटें कर सस्ती मिठाइयों को महंगे दामों पर बेच रहे हैं, इस तरह के मिठाई से रहे सावधान। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भाई बहन के प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में कई तरह की वैरायटी मिठाई मिल रही है। रक्षाबंधन पर मुंह मीठा करने का प्रचलन काफी पुराना है, जिसको लेकर सभी लोग मिठाइयां की खरीदारी में जुटे हैं। आलम यह है कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में मिठाइयां की दुकानें सजने लगी है, लेकिन बाजारों में नकली खोआ व छेना आने के बाद मिलावटी मिठाई भी कुछ दुकानों में खूब बिक रही है, जो रक्षाबंधन के दिन रंग में भंग पैदा कर सकती है। आज जो हम दिखाने के जा रहे हैं यह सबसे चिंताजनक बात है, क्योंकि दरभंगा शहर के आसपास के क्षेत्रों में राखी को लेकर जोर शोर से मिठाई मिलावटी मिठाई का कारोबार चल रहा है। जब सीटीवी मिथिला की टीम ने एक मिलावटी मिठाई के कारोबारी के वर्कशॉप पर पहुंचा तो वहां स्थिति देख करके दंग रह गया, क्योंकि वहां जो स्पॉन्ज रसगुल्ले बन रहे थे वो सभी मिलावटी थे। और जब इस संबंध में काम कर रहे कारीगर हरेंद्र से पूछताछ की गई तो उसने भी स्वीकार किया कि यह मिठाई मानक के अनुरूप नहीं है और वो लोग इस मिठाई को राखी को त्यौहार को लेकर बना रहे हैं। जानकार की माने तो यह पहली बार नहीं है कि दरभंगा के बाजारों में पहली बार नकली मिठाई मिल रही है। कई सालों से दीपावली छठ राखी जैसे त्योहारों में बिक्री के लिए व्यवसाय ऐसा करते हैं। मिठाई तैयार कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ इसमें आप लोग मिलाते हैं? मेहसाना सागर है सर और छेना होता है। देख रहे हैं मैदा के साथ कुछ अन्य पाउडर सब भी यहाँ रखा हुआ है जो आपके सामने है। तो ये सारा मिठाई राखी को लेकर तैयार किया जा रहा है? राखी फिर हम सब अपना अपना काम में चले जाएंगे, कोई कंठोनी में चला जाएगा, कोई कोची में चला जाएगा। तो कितना डिमांड रहता है राखी में? ये सर इसका तो कोई अंदाजा नहीं है। तो आप लोग कितने दिन से ये मिठाई बनाने का काम कर रहे हैं? कहे तो 4-5 दिन से आ रहे हैं। ऑर्डर भी आ रहा है? नहीं सर, ऑर्डर आने के बाद ही बनाते हैं, कभी ऑर्डर आ जाता है तो बना देते, नहीं ऑर्डर आता है तो बैठे रहते हैं। पहले रसगुल्ला का जो मानक होता है, क्या लगता है वो मानक पूरा हो पा रहा है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं, कितना इसमें मिलावट होगा सर? जो है सो सामने हम क्या है। वही डॉक्टर एहतसाम अनवर ने कहा कि राखी को लेकर अगर आप मिठाई खरीदारी कर रहे हैं तो पहले सोच ले कि किस तरह का मिठाई किस दुकान से खरीदना है। मिठाई हमेशा अच्छी व भरोसे वाली दुकान से ही खरीदें, क्योंकि मिलावटी मिठाई में प्रयोग की जाने वाली चीज़ें इतनी घातक है कि आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हम लोग कोई भी शॉपिंग मिठाई की करें तो किसी अच्छे दुकान से करें, जहाँ पर ये ज़रूरी हो कि वहाँ पर सही सामान मिलता है, मिलावटी खाद्य पदार्थ का यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई मिलावट का खाना, चाहे वो मिठाई हो या कोई अन्य पदार्थ हो, उससे क्या नुकसान है कि वो कई तरह का एलर्जी काउज करता है। उसके बाद उसको खाने के बाद बदन में कभी कभी बहुत सारे लोगों को रैशेज आ जाते हैं, उल्टी, मतली आना, पेट खराब होना और फ्रिक्वेंट लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री होना, और वो सब फूड पॉइजनिंग काउज करता है। इस कंडीशन में कभी कभी हालत यहाँ तक हो जाती है कि जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी मौत भी हो जाती है। इसलिए हम लोग को ख़ास ख्याल रखना है कि कोई भी मिलावटी मिठाई का हम लोग यूज़ ना करें। रक्षाबंधन को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसको लेकर सज गया है राखी का बाजार। 26 अगस्त को मनाया जाएगा भाई बहन का यह पवित्र रक्षाबंधन त्यौहार। श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है।
इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है और बदले में भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। इस साल 26 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन को अब कुछ ही दिन शेष है, ऐसे में बाजारों में राखियां का बाजार सज गई है और राखी खरीदने के लिए युवतियाँ व महिलाएं की भीड़ भी दुकान पर जुटने लगी है। ये भाई और बहनों का त्यौहार है, इसमें भाई बहन के सने के लिए राखी का त्यौहार किया जाता है, इसलिए हम लोग प्यार से अपने भाई के लिए राखी खरीदते हैं। कितने कितने के राखी जो है बाजार में उपलब्ध है? सभी रंग के हैं, हर वैरायटी के हैं। बाजार में जरी, नग, रुद्राक्ष, मोती और लॉकेट से बनी राखियां खूब बिक रही है। वहीं बच्चों के लिए चाइनीज कार्टून और खिलौना वाली राखियां की मांग ज्यादा है। वहीं राखी दुकानदार रवि ने बताया कि उनके पास 5 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की राखी उपलब्ध है, लेकिन लोग महंगाई के चलते 100 रुपये के अंदर ही राखी की खरीदारी ज्यादातर कर रहे हैं। 100 रुपये से कम का राखी जो है ना ज्यादा पसंद करते हैं, समझ गए, 10, 20, 30, 40 ज़्यादातर 100 के अंदर ही जो है ये राखी पसंद करते हैं। तो महंगाई का भी असर लग रहा है? हाँ, महंगाई का तो है असर। और सालों के अपेक्षा इस साल कैसा है व्यवसाय आपका राखी? इस साल थोड़ा अभी मार्केट में उतना जान आ नहीं रहा है। दूसरी तरफ राखी को लेकर मिठाइयां की दुकानें में अभी से ही भीड़ दिखने लगी है और लोग अभी भी मिठाई खरीदारी के लिए शुरुआत कर दिए हैं, जिसको लेकर मिठाई दुकान भी अपने दुकानों में रंग बिरंगी मिठाई लगा रखे हैं। मिठाई 100-200 से लेकर 1,000 तक की उपलब्ध में है। राखी के अवसर पर सूखे मेवे से बनी मिठाई, टॉफियों सहित कई तरह के गिफ्ट भी बाजार में मिल रहे हैं। रक्षाबंधन में वो सेल हम लोग की असीमित होती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हम लोगों को कि लोगों को ताज़ा माल देना पड़ता है। अब आज से लेकर के रक्षाबंधन तक हम लोग को स्टॉक भी करना है, फ्रेश माल भी देना है, तो ये रिस्पांस तो मिथिलांचल में इतना है मिठाई का भाई बहन के त्यौहार में कि उसका कुछ कहना नहीं है। जितना माल बेच सके उतना कम। कमतौल थाना प्रभारी का मनमानी, उसकी बर्खास्तगी तथा नगर थाना कांड संख्या 168/18 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आदेश के बावजूद अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ INOS के बैनर तले पोलो मैदान से लहरियासराय टावर तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। संख्या 127/18 जिसमें इंस्पेक्टर वहां का सुपरविजन ट्रू कर दिया। आज से 3-4 महीने पहले वह सुपरविजन ट्रू भी हो चुका है। गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने नौजवान सभा के बैनर तले यहां के SSP और DSP कार्यालय को हम लोगों ने आवेदन भी दिया कि अभियुक्तों को, जो हमारा नौजवान संगठन का नेता है विपिन कुमार यादव, उस पर वहाँ के स्थानीय जो गुंडा तत्व है वह गुंडा तत्व ने हमला किया, जिसके खिलाफ सुपरविजन में ट्रू होने के बाद भी यहाँ का SSP और DSP कमतौल थाना प्रभारी के इस करतूत को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस नजरअंदाज के खिलाफ हम लोगों ने यह मार्च संकेतिक मार्च निकाला है। अगर यहाँ के SSP, यहाँ के DSP कमतौल थाना प्रभारी को निलंबित नहीं करता है और कांड संख्या 127/18 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी 1 सप्ताह में नहीं करता है, तो हम लोग आंदोलन के तेवर वो 4 गुना आगे बढ़ाएंगे, KUT के तमाम सड़कों को चक्का चक्का जाम कर देंगे। प्रभारी कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। इसी तरह की घटना आप देखेंगे कि छठी पोखर की है। छठी पोखर पे जो भूदान की जमीन है, भूदान की जमीन
वो प्रॉपर्टी डीलर द्वारा बेची जा रही है, जबकि इसका मैसेज थाना को दी जाती है तो वो टाल देते हैं, जबकि भूमि भूदान की जमीन को न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है। निश्चित तौर पर अंचल और थाना प्रभारी के मिली भगत से ये गुंडा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके सवाल पर भी ये नौजवान सभा द्वारा और भाकपा माले द्वारा एक बड़ी आंदोलन चलाने का हम निर्णय लेते हैं। जिंदाबाद। भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन नई दिल्ली के निदेशक कुमार का एक लेटर LMU दरभंगा को मिला है, जिसमें ऑल इंडिया सेमिनार सह वर्कशॉप 6-7 सितंबर 2018 का जिक्र किया गया है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में होना है। प्रत्येक राज्य के स्टेट नोडल पदाधिकारी एवं 2 यूनिवर्सिटी के नोडल अधिकारी को आमंत्रित किया गया है। बिहार में LMU का चयन किया गया, जो कि गौरव की बात है। हर लाठी जागरूकता अभियान संस्था गंगौर के द्वारा अश्लील गानों को बंद करने और महिलाओं की न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड में जागरूकता अभियान संस्थान गंगौर के द्वारा अश्लील भोजपुरी गाना को बंद करने तथा महिलाओं की न्याय की मांग में उमगांव बैंक चौक से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक आक्रोश मार्च निकाली गई। इसके धरना के बाद मुख्यालय के मुख्य द्वार पर करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व संचालिका बिट्टू मिश्रा ने की। धरना को संबोधित करते हुए बिट्टू मिश्रा ने बताई कि जिस तरह से सरकार शराब, दहेज, बाल विवाह बंद कर किया है, उसी तरह भोजपुरी अश्लील गाना पर भी रोक लगानी चाहिए। तो ना हम बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद होगी और ना ही हम समाज में असुरक्षित महसूस कर पाएंगे, बल्कि हम खुलकर जी सकेंगे। बहुत सारी लड़कियों की शिकायतें होती है कि हमें इस जगह पे जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है, या फिर बड़े बड़े महा मेले का आयोजन किया जाता है, बहुत सारे इवेंट्स का आयोजन किया जाता है जिसमें बेधड़क अश्लील गाना बजाया जाता है और वहाँ पे कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है। यहाँ तक कि इतने दिनों से सोशल मीडिया वगैरह वगैरह हर जगह लिखने के लिए तो लाखों करोड़ों लोग पैदा हो चुके हैं कि अश्लील गाना हमारे समाज को खाया जा रहा है, ये बहुत ही रूढ़ लेता जा रहा है जगह, लेकिन जब आवाज उठाने की बारी आती है तो सबकी दुम ढीली हो जाती है। कोई मौके पर गुड़िया कुमारी, पिंकी कुमारी, अनुराग कुमारी, अस्मिता कुमारी, अमृता कुमारी, कंचन कुमारी, काजल कुमारी सहित सैकड़ों लड़कियां मौजूद थी। हरलाखी स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर जन अधिकार पार्टी व स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर सरकार तथा स्थानीय पदाधिकारी के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया। धरना का नेतृत्व कर रही जाप की छात्र परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया राज ने कहा कि हरलाखी सहित जिला में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुई तो सड़क से सांसद तक जन आंदोलन होगी। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर जन अधिकार पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ने उमगांव बाजार चौक पर NH 104 पर बासोपट्टी हरलाखी माधवापुर मुख्य मार्ग सड़क को जाम कर अगजनी कर सरकार तथा स्थानीय पदाधिकारी के विरुद्ध में उग्र प्रदर्शन किया तथा सरकार एवं प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कई घंटे तक यातायात बाधित होने से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। यातायात बाधित होने से राहगीरों को काफी परेशानी हुई। उक्त धरना में के नेतृत्व कर रही जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया राज ने कहा कि प्रखंड में बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, द्वितीय किस्त भुगतान में भारी पैमाने में अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर जाप के कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रिया ने कहा कि हरलाखी बासोपट्टी सहित जिले के सभी प्रखंड में आंगनबाड़ी बहाली प्रक्रिया में धांधली हो रही है। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार अफसरशाही काफी हद तक बढ़ गई है। बिना दलाल के आम लोगों को कोई कार्य नहीं होता है। शिक्षा स्वास्थ्य चौपट हो गई है। तो देश गर्क में चला जाएगा, जनता की स्थिति खराब हो जाएगी। जो कुछ कर रहे मीडिया साहब, मैं भला बोलता हूँ, पूरा बोलता हूँ, उसको आप ले सकते करते रहेंगे। किनके विरोध में आप कर रहे हैं? हम लोग सरकार के विरोध में कर रहे हैं, ब्लॉक में बैठे हुए निकम में वीडियो CEO के खिलाफ कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं, DM के खिलाफ कर रहे हैं, SP के खिलाफ कर रहे हैं, जितने पदाधिकारी यहाँ पे हैं, सब के सब लूट के गरीब को शोषण की तरफ धकेलते जा रहा है, लेकिन किसी को इस चीज से मतलब नहीं है, सब लूटने में लगे हैं। मेन मुद्दा ये देखिए, सामने में आ रही है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में जिसके पास पैसा है उसको नौकरी दिया जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको नौकरी।
किन प्रखंड का मामला है? किन किन प्रखंड का मामला है? लाखी बासापाटी पूरा मधुबनी का मामला है, ये पूरा मधुबनी का मामला है। हर प्रखंड में ऐसा होता है कि जिसको पैसा है उसको नौकरी दिया जाता है, वो जिसको पैसा नहीं है। आपका पर्चे, आपका पर्चे, आपका पर्चे, क्या पूरा काम काज, आपका पर्चे, आपका पर्चे। मेरा नाम प्रिया, राज प्रदेश उपाध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद। काफी मशक्कत के बाद बीडीओ मार्कंडेय राय, सीओ शशिभूषण प्रसाद, थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। बीडीओ ने सभी समस्याओं को 15 दिन के भीतर निदान देने की आश्वासन कर जाम को हटवाया। मौके पर बीएम कॉलेज के अध्यक्ष राकेश कुमार जाप के जिला महासचिव रवि रंजन कुमार, आरके कॉलेज के छात्र अध्यक्ष दुर्गेश ठाकुर, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोगों ने भाग लिया। मधुबनी जिला के जयनगर शहर के सभी होटलों पर हुई छापेमारी। जयनगर एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ एवं पुलिस कर्मियों ने मिलकर छापेमारी की। छापेमारी में लाइसेंस, होटल रजिस्टर, रुकने वाले यात्रियों की आइडेंटिटी कार्ड एवं कई जाँच पड़ताल किए। मधुबनी जिले के जयनगर शहर में जयनगर के कई होटलों में छापेमारी की गयी। छापेमारी में एसडीओ शंकर शरण ओमी, जयनगर डीएसपी सुमित कुमार, जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रकांता एवं जयनगर थाना अध्यक्ष सहित कई पुलिस कर्मी मिलकर जयनगर के कई होटलों में छापेमारी कर लाइसेंस एवं रजिस्टर की जांच की। यूं यात्रियों के रुकने के लिए उनकी आइडेंटिटी की भी जांच की पड़ताल किया गया। होटल का चार्ज लिस्ट काउंटर के सामने रखने की बात कही गई। छापेमारी में जयनगर के सीमांचल होटल, अंबे होटल, श्यामा होटल, राजस्थान होटल, विशाल होटल, होटल रॉयल, जॉनी होटल सहित कई होटलों में देर रात तक छापेमारी की गई। बहादुरपुर प्रखंड के रघेपुरा गांव में राजा सलेश पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें पुजारी भगत द्वारा तलवार पर पैर रखकर कर्तव्य दिखाया गया। दरभंगा में इन दिनों कई जगह पर राजा सलेश की पूजा देखने को मिल रही है। हालांकि यह इसकी एक तिथि निर्धारित नहीं है, बल्कि अपने समय अनुसार लोग इन महीनों में मना रहे हैं। राजा सलेश की पूजा का एक अलग ही परंपरा है और इसका एक अलग पूजा करने का एक अलग ही रीति रिवाज है। इनके जो पुजारी होते हैं उसे भगत कहा जाता है। वह भगत यह पूजा कराते हैं, उसके बाद अपने कर्तव्य दिखाते हैं। जो आप देख रहे हैं कैमरे के सामने में तलवार पे जो है अपने पैर को रख कर कर्तव्य दिखा रहे हैं और लोग खुशी से झूम उठते हैं और तालियां बजाना शुरू कर दे रहे हैं। पूर्वज के जमाने से लगे पूरा गांव में राजा सलेश पूजा का आयोजन हुआ करता था और इस बार भी हुआ है। बाबा राजा सलेश की कृपा से हमारे गांव में हमारे समाज के सभी लोग खुशहाल हैं, प्रगतिशील हैं। इसीलिए बाबा राजा सलेश का हम लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग बाबा राजा सलेश से मानते हैं कि हमारा समाज खुशहाल रहे, निरंतर प्रगति रहे। आपसी द्वेष को त्याग कर हम लोग समाज के सभी लोग एक सूत्र में मुख्य धारा को प्रभावित करते हुए हम लोग राजा सलेश पूजा का आयोजन करते हैं। इस समाज का जो ये पूजा है, अत्यंत गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सभी लोग साफ सुथरे वस्त्र में यहाँ उपस्थित होकर अपना डाला लेके आते हैं, बाबा राजा सलेश के सामने अर्पण करते हैं। उस डाला को पुनः चढ़ा करके उनको वापस किया जाता है, वही बाबा राजा सलेश का आत्मसात। प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी राजा सलेश का पूजा ग्राम रघेपुरा में, सूरज धाम की नगरी रघेपुरा में आप देख रहे हैं, धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोग
उसी को निर्वाह करते हुए हम लोग भी आज ईश्वर स्थान के नगरी रघेपुरा में सलेश का पूजा कर रहे हैं। सारे समाज पूरा सारे लोग आज अपना जो है व्रत रख करके यह पूजा का आराधना लोग करते हैं और अपने देवता का जो आराधना करके उनसे अपनी मन्नत मांगने का चेष्टा करते हैं और हर एक व्यक्ति को पासवान समुदाय के लोगों को उनको उनका मन्नत भी इस सलेश महाराज के वजह से पूर्ति भी होता है। धन्यवाद। आज की खबरों से विदा लेती हूँ। नमस्कार। वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी, सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, बेहतरीन गेहूं से बना, घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न। सेंट्रल पब्लिक स्कूल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पता BMP 13 सोनकी रोड दरभंगा एवं दूसरा पता सत्संग नगर भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। यहाँ कंप्यूटर क्लास, चांसलर, डांस, म्यूजिक, खेल, ट्रांसपोर्ट, पीने योग्य पानी और CCTV कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ हॉस्टल की सुसज्जित सुविधा है। संपर्क करें फर्स्ट ब्रांच BMP 13 सोनकी रोड और सेकेंड ब्रांच भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। फैंसी स्टोर एंड बसीर बेल्ट बैग हाउस। यहाँ सभी प्रकार के बैग, बेल्ट, टोपी, चश्मा, घड़ी, लेडीज एंड जेंट्स पर्स, रुमाल, चाबी, रिंग होलसेल रेट में मिलती है और यहाँ सभी तरह के गिफ्ट, कैरम बोर्ड, बैट बॉल एवं खेल संबंधित सारे सामान भी होलसेल रेट में मिलती है। पहला पता सुभाष चौक टावर दरभंगा, दूसरा पता नाका नंबर 5 नेशनल सिनेमा रोड दरभंगा। कॉन्टेक्ट करें 8709060573।